रेडमी 9 पावर। इस रेडमी 9 पावर के अंदर मोबाइल फोन में प्रॉब्लम है कि इस मोबाइल फोन में लॉक लगा है। क्या लगा है? पैटर्न लॉक लगा है। तो मैं इसका पैटर्न तोड़ के भी दिखा देता हूँ तुमको, तरीका भी बता देता हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताने का मतलब ये है कि आपको आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस मोबाइल फोन को लॉक कैसे खोलेंगे, ठीक है? ताकि आपके पास कोई भी रेडमी कंपनी का कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो उस मोबाइल फोन के लॉक को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास ऐसे ही कस्टमर मोबाइल फोन लेके आता है, कस्टमर कह रहा है कि मेरे मोबाइल फोन में लॉक लग गया, आप लॉक को तोड़ दीजिए। हम तोड़ देंगे। इस लॉक तोड़ने का 100-150 रुपये जो भी ये खर्चा लिया जाता है, और हम लॉक तोड़ने से पहले ये ध्यान देंगे कि हमको करना क्या है, ठीक है? पहली बात, जब आपके पास कस्टमर मोबाइल फोन लेकर के आए तो आप सबसे पहला प्राइमरी काम क्या करेंगे? पहला प्राइमरी काम तो आप ये करेंगे कि आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? किसी पास ओरिजिनल टाइप सी के केबल है? दीजिए। अब इस टाइप सी केबल को आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारा टाइप सी का मोबाइल फोन है तो हमको टाइप सी केबल लगाना पड़ेगा। इस केबल को आप इसको मोबाइल फोन में लगाएंगे। जैसे आप मोबाइल फोन में लगाएंगे तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से एक लहर जैसी आएगी। उस अब यहाँ लिख के दिया रेडमी 9 पावर, तो दो बातें पता चल गई। पहला तो मॉडल भी पता चल गया रेडमी 9 पावर। अगर इसमें मान लो स्टीकर ना लगा होता, दिखाई ना देता, तो हम लोग इससे भी पता कर सकते हैं, मॉडल पता लगे। दूसरी बात क्या होता है, इसके कनेक्टिविटी से ये भी पता चला कि इसका डाटा केबल सही है, यूएसबी का लाइन सही है। क्योंकि यूएसबी का लाइन सही होगा तभी तो सॉफ्टवेयर कर पाएंगे, नहीं तो सॉफ्टवेयर कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग इसका लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहली बात रेडमी 9 पावर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? गूगल पे टाइप करना पड़ेगा रेडमी 9 पावर जीएसएम अरीना। तो इसमें जैसे रेडमी 9 पावर जीएसएम अरीना खोला, तो उसके बाद आप इसके चिपसेट में जाएंगे। किसमें जाएंगे? चिपसेट में। चिपसेट का मतलब होता है इस साइट के माध्यम से आप ये इन्फॉर्मेशन लेंगे इसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा है, क्वालकॉम सीपीयू लगा है। अच्छा, जब क्वालकॉम सीपीयू है तो इसको कनेक्ट कराने के लिए आपको रेडियल पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? अगर एडीएल पॉइंट नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एडीएल पॉइंट के माध्यम से कनेक्ट कराएंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करिए। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसके बता रहा हूँ ताकि आपके पास फोन आएगा तो आप कैसे काम करेंगे, क्योंकि ऐसे ही फोन लेकर के आपके पास कस्टमर आएगा। अब आप क्या करेंगे, डोंगल लेंगे। डोंगल में आप लोकेशन में जाएंगे और आप अपना जो क्यूसी फायर का सेटअप है उसको खोलेंगे। क्यूसी फायर का मतलब होता है क्वालकॉम सीपीयू का मोबाइल फोन, जो भी आएगा, चाहे वो एमआई का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, कोई भी हो, बस उसके अंदर सीपीयू क्या लगा हो वो सब इसमें रिपेयर हो जाएगा। अभी जब सेटअप खुल जाएगा तो सेटअप को आप इंस्टॉल करेंगे। जैसे सेटअप को इंस्टॉल करेंगे तो स्क्रीन में इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। ISF, next, 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 चलो चलो ठीक है। जब तक इंस्टॉल हो जाने देते तब हमको मोबाइल फोन खोलना पड़ेगा। मोबाइल फोन क्यों खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, EDL पॉइंट है। क्या है? EDL पॉइंट। EDL पॉइंट के लिए हमको फोन खोलना पड़ेगा। ओपनर है किसी पास? अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फोन को बंद करेंगे, बैटरी हटा देंगे, फोन हमारा बंद हो जाएगा। फोन बंद होने के बाद अब जब टूल इंस्टॉल कर देंगे, ये टूल इंस्टॉल हो गया जाएगा, ठीक।
यहाँ पर ऑप्शन आता है फ्लैशिंग का, यह था रीड एंड टूल में, यहाँ से लॉक खुल रहा है। अब कैसे खुलेगा देखिए, अब हमको क्या करना है, गूगल फिर खोलना है। गूगल में ये देखना है कि रेडमी 9 पावर के अंदर कौन सा है। रेडमी 9 पावर एडीएल पॉइंट, जैसे रेडमी 9 पावर एडीएल पॉइंट में क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो खुल जाएगा। ये फोटो खोलने पर ये बोलेगा यहाँ पर छेद है, उस छेद के पास में दो पॉइंट हमने फोल्ड कराइए। अब अगर छेद के पास में दोनों पॉइंटों पर अगर बात करेंगे तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपने गूगल पर देखा है वही दोनों पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हमको क्या करना है, दोनों पॉइंट को शॉर्ट करा के डाटा केबल लगाना है। जैसे दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके डाटा केबल लगाएंगे तो फोन हमारा कनेक्ट हो जाएगा। फोन कनेक्ट होने के बाद फिर बाकी काम सॉफ्टवेयर का स्टार्ट होगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर का काम जब तक नहीं स्टार्ट होता है जब तक फोन कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो खेल रहता है मेन खेल जो है वो टूल का खेल है। किसका खेल है? टूल का खेल है। हमने डिवाइस मैनेजर बोला, चिमटी लाइए कोई नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए दोनों पॉइंट को लिया, दोनों पॉइंट को टच करने के बाद इसको डाटा केबल को लगा देंगे। जैसे डाटा केबल को लगा देंगे तो डाटा केबल लगाते ही हमारा क्या हो जाएगा, फोन कनेक्ट हो जाएगा। हमने दोनों पॉइंट को लिया, ऐसे टच किया, देखो फोन यहां पर कनेक्ट हो गया। ये क्वालिकॉम 8 नंबर पोर्ट बनाया। क्या बनाया? क्वालिकॉम 8 नंबर पोर्ट बनाया। अब आप क्या करिए, इसको मिनिमाइज कर लीजिए, फोन कनेक्ट हो गया। अब आप अपना टूल खोलिए, क्यों सिर्फ आया, देखो देखना कितना आसानी से मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर देगा। अच्छा, हमारे पास ज्यादातर तो जो मोबाइल फोन आते हैं 90% मोबाइल फोन आते हैं अनलॉकिंग के लिए आते हैं, फ्लैशिंग के लिए बहुत कम आते हैं, लोग लॉक लगा के भूल जाते हैं। इस टूल के माध्यम से आप फोन को फॉर्मेट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर थोड़ी ना डाले, फ्लैशिंग करने के लिए फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है, फॉर्मेट करने के लिए थोड़ी ना को डाउनलोड करो तो खाली कर दो, हो जाएगा। अच्छा, जब हम उससे फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट करने में भी पासवर्ड मांगेगा, लेकिन इसमें कोई मतलब ही नहीं। रीड एंड टूल में गए, यदि रेडमी का मोबाइल फोन आता तो यहाँ पर जाकर के आप मॉडल ले सकते हो, वरना रेडमी के फोन के लिए मॉडल लेने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर जाइए, फॉर्मेट FS ले लीजिए, उसके बाद एग्जीक्यूट कर दीजिए। कह रहा, क्या आप फोन को फॉर्मेट करना चाहते हो? यस। अभी देखना सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है COM8, लिखा है COM8 मतलब इसने हमारे फोन को ही पकड़ लिया है। ओके, सब पूरा फोन नया हो जाएगा बिल्कुल। ओके, पूरा फोन कैसा हो जाएगा नया, देखो फोन फॉर्मेट करे, फॉर्मेटिंग यूजर डाटा सेम मोड डन। और कहता वुड यू लाइक टू रीसेट अ फारपी, क्या आप फारपी भी तोड़ना चाहते हो? यस, ईमेल का डाटा भी चला जाएगा, सब तोड़ देगा, फिनिश। जीमेल का डाटा नहीं जाएगा, जीमेल इससे हटा देगा, ठीक। अब हमारा देखो फारपी भी हट गया और फॉर्मेट भी हो गया। क्लोज करेंगे इसको, डाटा केबल को बाहर निकालेंगे। ये फोन देखो दोबारा चालू हुआ है, और ये जब ये चालू होगा तो ये पूरा नया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे डब्बा पैक नहीं होता, पूरा नया। अभी देखिए मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ, और इस फोन का लॉक खुल चुका होगा। अभी पासवर्ड नहीं मांगेगा क्योंकि हमारा मोबाइल फोन फॉर्मेट हो गया है, पूरा मोबाइल फोन खाली हो गया, फ्रेश नया फोन हो गया। तो इससे क्या रहता है कि हम लोग कितना, देखो कितना आसान तरीके से हम लोगों ने लॉक खोल दिया। उसमें हमको बटन दबाना पड़ता, फॉर्मेट करना पड़ता, यूट्यूब में ये वो झाम ताम देखना पड़ता, इसमें कुछ नहीं, क्लिक करो खत्म। ये प्रोफेशनल टूल है, ये मोबाइल फोन में अनलॉकिंग के पर्पस पे ही यूज किया जाता है। इसका काम यही है कि जो भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में लॉक को तोड़ना,
कि तुम्हारे पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा, उस मोबाइल फोन के लॉक को कैसे तोड़ेंगे, उसका तरीका क्या होता है, वो सारी चीजें इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। फ्लैशिंग भी इसी से करते हैं। अरे सब कुछ कर सकते हो, एवरीथिंग, क्योंकि टूल है। दूसरी बात क्या, पेड होने की वजह से इसकी सर्विसेज अच्छी है, सारा सब कुछ सपोर्ट है, सारा ड्राइवर है, सारा टूल है, सब उसी की वेबसाइट से करना है, आपको किसी दूसरे अलग अलग वेबसाइट में नहीं भटकना। सर फाइल नहीं आप डाउनलोड की? फाइल का है कि डाउनलोड करने की जरूरत है? फाइल डाउनलोड करने की जरूरत कहाँ पर पड़ती है? फ्लैशिंग करने के लिए। हम लोगों ने मोबाइल फोन में फ्लैशिंग तो किया नहीं, फॉर्मेट किया ना, वो टूल के माध्यम से फॉर्मेट कर दिया। अगर तुम्हारे पास 10 मोबाइल फोन आएंगे तो 10 में से 7 मोबाइल फोन लॉक तोड़ने के लिए आएंगे, और लॉक तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ डालना नहीं पड़ता, ऊपर से जो पड़ा है उसको निकाल दो, फोन खाली कर दो। जैसे फोन खाली कर दोगे तो लॉक ब्रेक हो जाएगा, जब लॉक टूट जाएगा तो आपका मोबाइल फोन फ्रेश का हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो आज इस डोंगल को तुमने इसको समझा भी, और एक इसे मोबाइल फोन भी लॉक खुल गया, तो पूरा आपको अच्छे से पता भी चल गया। उसमें प्लस माइनस बटन फॉर्मेट करते हैं, जब फॉर्मेट होता है तो उसमें FRP लग जाता है, FRP लगता है तो हमको उसको यूट्यूब में देखना पड़ता है, फिर उसको देख करके उसको बाईपास करते हैं। हो सकता है बाईपास होता या ना होता, या कई बार ऐसा है जब फ़ोन को फॉर्मेट कर रहे होते तो फॉर्मेट करते समय भी पासवर्ड मांगने लगता है, जब फॉर्मेट करते समय पासवर्ड मांगने लगेगा तो क्या होगा, फिर तो नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारा मोबाइल फोन चालू हो गया, हम लोग का मोबाइल फोन का लॉक खुल गया। तो हम लोग इसके माध्यम से बहुत आसान तरीके से कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को लॉक को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या देखा है कि जो Redmi 9 Power मोबाइल फोन आता है, उस Redmi 9 Power के मोबाइल फोन को हम लोग लॉक कैसे खोलेंगे। तो लॉक खोलते समय आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जब आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आए तो उस मोबाइल फोन को कंप्यूटर से लगाएं। कंप्यूटर से लगाने से तुमको 2 बातें पता चलेंगी, पहली बात तो मोबाइल फोन के बारे में भी पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि फोन आपका कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है। अगर फोन कनेक्ट नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा, दो चीज। तीसरी चीज क्या है, आप मोबाइल फोन के अंदर जब फोन पता चल जाएगा तो आप उसका चिपसेट पता करें, CPU पता करें कि उसके अंदर CPU क्वालकॉम मीडियाटेक SPD कौन सा लगा है, क्योंकि जो CPU लगा होगा उसी के हिसाब से आगे का रास्ता खुलेगा। अगर मान लिया क्वालकॉम CPU जब खुल गया तो हमें समझ में आया कि इसमें आइडियल पॉइंट चलेगा, जब ईडीएल पॉइंट चलेगा तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको क्वालिकॉम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में घुस करके अगर मोबाइल फोन को ठीक करता हूँ तो कौन ठीक ना हो, खराबी हो जाए, क्योंकि हमने सही चिपसेट को नहीं सिलेक्ट किया। तो इसलिए चिपसेट सिलेक्ट करने से क्या होता है, आगे का पूरा तरीका ही स्टॉक तरीका ही सिलेक्ट हो जाता है। फिर हमने जब क्वालिकॉम का सॉफ्टवेयर को खोला, फिर उसके बाद वहाँ जा करके मोबाइल फोन में फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, FRP तोड़ने का ऑप्शन आता है, मतलब दुनिया भर के जितने सारे ऑप्शन आते हैं सब खुल जाते हैं, पर तुमको क्या करना है, सिलेक्ट करके क्लिक करना है।
और ये अपने मन तक चालू हो जाएगा, वन क्लिक में सारा काम होता है, बस सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा और मोबाइल फोन में लॉक खुल जाएंगे। ये किसका मैंने बताया? रेडमी 9 पावर। रेडमी 9 पावर के अंदर कौन सा सीपीयू लगा था? क्वालकॉम। तो इस तरीके से जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में लॉक तोड़ने का तरीका हम लोग समझते हैं। ठीक, आज के वीडियो में थैंक यू।